नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जीवन कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में मैं अजीत सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मनोविज्ञान विषय में यूपी टेट 2021 की रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे यूपी टेट 2021। यूपी टेट 2021 की रूपरेखा जानेंगे कि रूपरेखा किस तरीके से होती है। तो उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि जो इसका एक अहम विषय होता है जिसे हम कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, तो हम चाइल्ड साइकोलॉजी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूपी टेट में कितने विषय होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कहाँ से पढ़ना है और हमें किन चीज़ों को पढ़ना है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम जो अपना एक मेन सब्जेक्ट है, जो अहम सब्जेक्ट है, जो आपके लिए लोकप्रिय भी रहेगा, आपको मज़ा भी आएगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे यूपी टेट 2021। तो इसमें सबसे पहले आपका एक जो विषय है फर्स्ट नंबर पर, उसे हम कहते हैं बाल विकास। बाल विकास उसके बाद में ये जानेंगे कि जो बाल विकास में क्वेश्चनों की संख्या रहती है, प्रश्नों की संख्या रहती है, वो प्रश्नों की संख्या रहती है 30। उसके बाद में दूसरे हम विषय की बात करते हैं, जो दूसरा विषय आएगा वो उसे हम हिंदी, तो हिंदी के भी प्रश्न रहेंगे वो 30। उसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम तीसरे सब्जेक्ट पर, तो तीसरा सब्जेक्ट रहेगा गणित, तो गणित में भी प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट हम नंबर 4 पर बात करते हैं पर्यावरण, तो पर्यावरण में भी प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 5 पर हम बात करते हैं अंग्रेजी या संस्कृत, अंग्रेजी या जिसे हम कहेंगे संस्कृत, तो अंग्रेजी या संस्कृत में भी प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो प्रश्नों की संख्या रहेगी 30। अब यहाँ पर बात यह है कि आप अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार या तो अंग्रेजी ले सकते हैं या तो संस्कृत ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल विषय लगे, अंग्रेजी या संस्कृत, आप किसी भी एक सब्जेक्ट को, एक विषय को चूज कर सकते हैं। ये जो यूपी टेट 2021 में हम बात करेंगे, जो इन सब्जेक्टों को लेकर के जो ये सब्जेक्ट हैं, जो ये विषय हैं, वो हमारे फर्स्ट पेपर जिसे हम कहते हैं प्राथमिक, जिसे हम कहते हैं ये आपकी बात है फर्स्ट पेपर की, तो ये जो है आपका फर्स्ट पेपर रहेगा। ये प्राथमिक एक होता है प्राथमिक और उसके बाद में दूसरा उच्च प्राथमिक, तो ये प्राथमिक पर हम चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि जो आपका बाल विकास है, बाल विकास शब्द कहाँ से आया, बाल विकास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बाल विकास शब्द कैसे आया, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक पर बात करते हैं। तो यहाँ से, क्योंकि ये पहले हमें जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो बाल विकास के 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो 30 क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आएंगे, कहां कहां से आएंगे, तो हम इस पर भी चर्चा विस्तार में करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं मनोविज्ञान में कि मनोविज्ञान शब्द कहां से आया और मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, इस संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, हमने नाम सुना भी होगा हमने, क्योंकि तमाम भंडार है बहुत सी चीज़ें। तो मनोविज्ञान को हम पहले नहीं जानते थे, और बात यहाँ तक आती है कि जब कोई भी वस्तु आती है, कोई भी चीज़ आती है, तो जब कोई व्यक्ति क्या करता है कि उसका नाम रखता है, जब कहता है कि ये चीज़ ये है, तो उसके बाद में हम जानते हैं। तो इसी तरीके से मनोविज्ञान शब्द बहुत पहले से था, लेकिन बहुत पहले से था इसको इंगित करने वाला, इसका नाम रखने वाला एक व्यक्ति था, जिसके द्वारा हमें ये पता चला कि वास्तव में ये मनोविज्ञान होता है। तो यहाँ पर ये हम जानेंगे कि मनोविज्ञान शब्द का नाम, या हम कह सकते हैं मनोविज्ञान शब्द का संप्रत्यय किसने दिया,
कहाँ से आया? तो एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है रुडोल्फ गोयकल। रुडोल्फ गोयकल ने ये बताया कि मनोविज्ञान शब्द होता है। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर ये जानेंगे कि मनोविज्ञान शब्द का संप्रत्यय या मनोविज्ञान शब्द के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो रुडोल्फ गोयकल हैं। रुडोल्फ गोयकल, रुडोल्फ गोयकल ने, अब ये भी जानेंगे कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया। मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो दर्शन शास्त्र से हुई है, और दर्शन शास्त्र की एक पुस्तक का नाम था जिसका नाम था साइकोलॉजिया। तो साइकोलॉजिया नामक पुस्तक से उत्पत्ति मनोविज्ञान की हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानेंगे कि मनोविज्ञान की जननी कौन है, मनोविज्ञान शब्द आया कहाँ से है। तो सबसे पहले ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। अब दर्शन शास्त्र, अब बात ये आती है कि दर्शन शास्त्र की एक पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया, और ये साइकोलॉजिया पुस्तक 1590 ईस्वी में आई, तभी से मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। तो यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से बनने वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनने वाला ये है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सीधी बात, हमारा सीधा आंसर आएगा कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। अब यदि क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा गया, तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहा गया। उसके बाद में ये भी जानेंगे कि मनोविज्ञान को कई क्षेत्रों में, कई भागों में या कई संप्रदायों में विभाजित किया गया। तो संप्रदाय का नाम हम जैसे जानेंगे, आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में मन मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद में चेतना का विज्ञान, और आज के समय में या वर्तमान के समय में जो मनोविज्ञान चल रहा है वो व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। यदि क्वेश्चन में आता है कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा गया, तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहा गया। तो यहाँ से हम एक लाइन में इस तरीके से लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान मनोविज्ञान शब्द को दर्शन शास्त्र की साइकोलॉजिया साइकोलॉजिया नामक पुस्तक से हुई है। कह सकते हैं कि मनोविज्ञान शब्द को दर्शन शास्त्र की साइकोलॉजिया नामक पुस्तक से हुई है। अब ये जानेंगे कि ये जो साइकोलॉजिया नामक पुस्तक है, ये साइकोलॉजिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई। तो साइकोलॉजिया नामक पुस्तक 1590 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और ये 1590 ईस्वी में प्रकाशित हुई ये पुस्तक किसकी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये भी होगा कि ये साइकोलॉजिया नामक पुस्तक जो है वो रुडोल्फ गोयकल की है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे, यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि साइकोलॉजिया नामक पुस्तक किसकी है, तो साइकोलॉजिया नामक पुस्तक के लेखक या साइकोलॉजिया नामक पुस्तक किसकी है, तो रुडोल्फ गोयकल। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा गया, मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। तो यहाँ पर हम ये भी इस तरीके से लिख सकते हैं, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। उसके बाद में नेक्स्ट हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। इस पर भी बहुत सी भ्रांतियां हैं कि कोई कहता है कि मनोविज्ञान का जनक विलियम बुंट है,
कोई कहता है मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है, तो कोई कहता है कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है। तो हैं तो सब, लेकिन वास्तव में ये समझेंगे कि अपने अपने अकॉर्डिंग सभी लोगों को जनक माना गया, तो हम इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानेंगे कि मनोविज्ञान शब्द को लेकर के कौन आया। तो मनोविज्ञान शब्द को लेकर के आया रुडोल्फ गोएकल। रुडोल्फ गोएकल की एक पुस्तक का नाम, जिसका नाम है साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट चर्चा ये करते हैं कि अब जैसे एक मनोविज्ञान शब्द है, एक तो है मनोविज्ञान, और उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं एक है दर्शन शास्त्र। एक तो मनोविज्ञान है और दूसरा है दर्शन शास्त्र। अब ये भी जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है और दर्शन शास्त्र क्या है। तो मनोविज्ञान में हम कह सकते हैं आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म। तो हम कह सकते हैं कि जिसका अध्ययन किया जाता था, जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती थी, उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आत्मा, उसके बाद में हम कह सकते हैं परमात्मा, परमात्मा, उसके बाद में नेक्स्ट हम कह सकते हैं ब्रह्म। तो यहां से दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के द्वारा जो हमारे मस्तिष्क में जो जानकारी होती है, जो हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान का संग्रहण होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, उसी को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। अब हम ये भी जानेंगे कि मनुष्य के अंदर जो होती हैं वो 5 इंद्रियां होती हैं, और 5 इंद्रियों के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि 5 इंद्रियां जो होती हैं उसी के द्वारा हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जो 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, उसके बाद में इसके द्वारा जो आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के द्वारा जो हमारी इन इंद्रियों में जो जानकारी, जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो जानकारी एकत्रित होती है, तो उसी को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। अब यहाँ पर ये भी जानेंगे कि वास्तव में आत्मा हमें दिखाई नहीं पड़ती है, परमात्मा हमें दिखाई नहीं पड़ता है, ब्रह्म हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं, इसका अनुभव करते हैं। हम इसका जब अनुभव करते हैं तो इसी को हम कहते हैं दर्शन शास्त्र, इसी को हम कहते हैं दर्शन शास्त्र। अब यहाँ पर दर्शन शास्त्र से केवल काम चलेगा नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान वास्तव में अगर माना जाए व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार का विज्ञान जब हम किसी भी चीज़ को बाह्य रूप में, जब हम किसी चीज़ को देख सकें, जब हम किसी भी चीज़ को स्पर्श कर सकें, जब हम किसी चीज़ को सुन सकें, तो वास्तव में उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। अर्थात दर्शन शास्त्र में ना ही हम आत्मा को देख सकते हैं, ना ही आत्मा को हम सुन सकते हैं, ना ही हम परमात्मा को देख सकते हैं, ना ही परमात्मा को हम सुन सकते हैं। इसी तरीके से ब्रह्म को केवल हम इसका क्या करते हैं, इसे महसूस करते हैं। जब महसूस करते हैं तो वास्तव में यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और प्रयोग जब ही किया जा सकता है जिसे हम बाह्य रूप से देख सकें, जिसे हम सुन सकें, जिसका कोई स्वाद हो, जिसका कोई रूप हो, तो जब रूप होगा तभी हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मनोविज्ञान कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जानेंगे कि मनोविज्ञान शब्द के जनक कौन है, और मनोविज्ञान शब्द के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या बातें कही, तो उस पर भाई हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जानेंगे कि मनोविज्ञान शब्द को की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है, और मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया। चलो यहाँ से ये जानेंगे मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, अब यदि क्वेश्चन में आ जाए कि मनोविज्ञान किस भाषा का शब्द है, या हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को जो साइकोलॉजी शब्द है, कुछ लोग तो यही कह देते हैं कि साइकोलॉजी शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। नहीं,
साइकोलॉजी शब्द, कुछ लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा का शब्द है, या यूनानी या कह सकते हैं ग्रीक भाषा का, नहीं। यहाँ पर जो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, अर्थात साइकोलॉजी शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब ये भी जानेंगे कि इस साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, और दो शब्द हम कह सकते हैं वो ग्रीक या यूनानी भाषा के साइकी और प्लस लोगस से मिलकर के बना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइकोलॉजी दो शब्दों से या इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइकोलॉजी ग्रीक या ग्रीक को हम कहते हैं यूनानी, ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि साइकोलॉजी ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से साइकी प्लस लोगस से मिलकर के बना है। अब हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पर साइकी का अर्थ क्या होता है, और ये भी जानेंगे कि लोगस का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले बहुत यहाँ पर समझने की बात है, सबसे पहले समझने की बात क्या है कि साइकी और प्लस लोगस, तो यहाँ पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक आते हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिक अपनी अपनी बात कहते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि गैरेट ने मनोविज्ञान को दो भागों में विभाजित किया। हम कह सकते हैं गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द को दो शब्दों में वर्णित किया गया, जिसे हम कहेंगे साइकी प्लस लोगस। यहाँ पर एक साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और एक साइकी का अर्थ होता है मन या मस्तिष्क। तो गैरेट ने ये कहा था कि साइकी का जो अर्थ होता है वो आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात हम कह सकते हैं आत्मा का अध्ययन। तो यहां से हम स्पष्ट तौर से ये लिख सकते हैं गैरेट के अनुसार साइकी का अर्थ आत्मा, साइकी का अर्थ आत्मा एवं लोगस का अर्थ, अध्ययन। तो यहां से हम सीधे तौर पर यह भी लिख सकते हैं कि जो साइकोलॉजी का अर्थ होता है वो आत्मा का अध्ययन। यहां से लिख सकते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी को हम कह सकते हैं आत्मा का अध्ययन। तो ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्या कि साइकोलॉजी ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से साइकी प्लस लोगस से मिलकर के बना है। गैरेट के अनुसार यहाँ से ये कह सकते हैं कि गैरेट के अनुसार साइकी का अर्थ आत्मा एवं लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो यहाँ से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ आत्मा का अध्ययन। उसके बाद में ये भी जानेंगे कि आत्मा का विज्ञान किसने बताया। हम ये भी जानेंगे कि सबसे पहले मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के नाम से जाना जाता था, और जो आत्मा का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक हम कह सकते हैं अरस्तु,
उसके बाद में हम कह सकते हैं इनके गुरु का नाम प्लूटो, उसके बाद में डेकार्टे, और उसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि गैरेट। तो गैरेट ने वास्तविक यही कह दिया कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी प्लस लोगस, जिसे हम कह सकते हैं आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के नाम से जाना जाता था। और ये आत्मा का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हम कह सकते हैं अरस्तु, अरस्तु के बाद में कह सकते हैं प्लेटो, प्लेटो के बाद में कह सकते हैं डेकार्टे, डेकार्टे। तो यहाँ से आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे हैं। उसके बाद में आया मनोविज्ञान, हम कह सकते हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया था, हम कह सकते हैं पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी ने उसके बाद में नेक्स्ट आया है चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान बताया विलियम जेम्स, विलियम बुंट, विलियम बुंट। उसके बाद में कह सकते हैं विलियम सली, विलियम सली, या इसे हम विलियम सिल्ली भी कह सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट मनोविज्ञान आया व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक, जिसे हम कह सकते हैं जेबी वाटसन, जिसे हम कह सकते हैं जॉन ब्रोडस वाटसन, और इनके जो समर्थक हैं, वो समर्थक का नाम हम कह सकते हैं वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ भी हो सकते हैं, स्किनर भी हो सकते हैं, पावलाव भी हो सकते हैं, सीएल हल भी हो सकते हैं, वो हैं इनके समर्थक। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को जाना गया था, हम कह सकते हैं इस तरीके से आत्मा का विज्ञान। उसके बाद में कह सकते हैं मन और मस्तिष्क का विज्ञान। उसके बाद में नेक्स्ट हम कह सकते हैं चेतना का विज्ञान। और उसके बाद में नेक्स्ट हम कह सकते हैं व्यवहार का विज्ञान। अब इस पर हम ये भी जानेंगे कि ये आत्मा का विज्ञान कब आया। हमने सबसे पहले ही आपको ये बता दिया था कि मनोविज्ञान शब्द रुडोल्फ गोयकल की साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में 1590 ईस्वी में आया। उसके बाद में 1600 ईस्वी में, यहाँ से हम कह सकते हैं 16वीं शताब्दी, यहाँ से हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान आया। उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान आया। उसके बाद में 18वीं शताब्दी को छोड़ करके और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान आया, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान आया। और उसके बाद में हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी से लेकर के
20वीं शताब्दी से लेकर के और आज तक जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। अब हम ये भी जानेंगे कि आत्मा का विज्ञान क्यों अस्वीकार कर दिया गया, उसके बाद में मन और मस्तिष्क का विज्ञान क्यों अस्वीकार कर दिया गया, उसके बाद में चेतना का विज्ञान क्यों अस्वीकार कर दिया गया, और व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी से लेकर के और आज तक जो अपनाया जा रहा है वो हमारा व्यवहार का विज्ञान। देखो, सबसे पहले हमने आप लोगों को यही बता दिया था कि जब आत्मा हमें दिखाई नहीं पड़ती है, यहाँ पर इस तरीके से जैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर आत्मा, तो आत्मा का ना ही कोई रूप होता है, आत्मा का ना ही कोई रूप होता है, और आत्मा का ही ना ही कोई रंग होता है, और ना ही कोई आकार होता है, और ना ही कोई प्रकार होता है, और ना ही आत्मा का कोई स्वाद होता है, ना ही आत्मा का कोई स्वाद होता है। जब अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आत्मा का ना ही कोई रूप होता है, आत्मा का ना ही कोई रंग होता है, आत्मा का ना ही कोई स्वाद होता है, जब जिसका अगर रूप ना रूप होगा, ना आकार होगा, ना स्वाद होगा, तो जब ये नहीं होगा तो इसे हम कैसे देख सकते हैं। आत्मा दिखाई भी नहीं देती है, आत्मा हमें सुनाई भी नहीं देती है, तो जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो अर्थात हम प्रयोग कैसे करेंगे। जब हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो वास्तव में उसे हम विज्ञान नहीं कह सकते हैं। विज्ञान हम उसी को कहेंगे जो वास्तव में हमें सुनाई भी पड़े, हमें दिखाई भी पड़े, तो उसी को हम विज्ञान, जिस पर हम प्रयोग कर सकें, तो वही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो इस तरीके से आत्मा का विज्ञान का अस्वीकार कर दिया गया। जैसे यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि हमें जब तक यदि खाना खाने के लिए रोटियाँ दिखाई ना जाएँ, जब तक हमें खाना दिखाई ही ना, तो तब तक हम कैसे जानेंगे। जब तक हम खाने को स्पर्श ना करें, जब तक खाने को हम छुएंगे नहीं, जब तक हम उससे खाएंगे नहीं, तो कुल मिलाकर के हमारी कैसे भूख शांत होगी। जब भूख शांत नहीं होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने प्रयोग किया। तो जब प्रयोग नहीं किया तो इसलिए हम इसे विज्ञान नहीं कह सकते हैं। विज्ञान हम उसी को कहेंगे जो वास्तव में जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई रूप हो, जिसका कोई रंग हो, जिसका कोई स्वाद हो, जिसे हम देख सकें, जिसे हम सुन सकें, तो उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए आत्मा के विज्ञान का अस्वीकार कर दिया गया कि आत्मा के विज्ञान से काम नहीं चलेगा। तो उसके बाद में आए पंपोलॉजी, तो पंपोलॉजी ने यह कहा कि वास्तव में मनोविज्ञान जो है वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान होता है। अब अर्थात हम कह सकते हैं मन और मस्तिष्क का मतलब हमारे मन में बनने वाले विचार, मन में बनने वाले जो विचार होते हैं। तो अर्थात बात तो यहीं पर आ गई कि मन को भी हम देख नहीं सकते हैं, मन का कोई रूप नहीं होता है, मन का कोई आकार नहीं होता है, मन को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, और जब मन को हम देख नहीं सकते हैं तो भला हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जब हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो इसलिए 17वीं शताब्दी के अंत तक मन और मस्तिष्क के विज्ञान का अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में एक हमारे मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है विलियम जेम्स और विलियम बुंट और विलियम सली और विलियम जेम्स सली भी हम कह सकते हैं, ये आए। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना के विज्ञान के रूप में कार्य करता है, और जो चेतना होती है वो आंतरिक होती है। अब यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात जानने की कोशिश करेंगे कि व्यवहार का विज्ञान आया कैसे है। तो यहाँ पर विलियम जेम्स ये कहते हैं कि मनोविज्ञान में चेतना के विज्ञान के अंतर्गत चेतना के दो रूप बता दिए। एक तो कह दिया कि चेतना आंतरिक होती है, और दूसरा ये कह दिया चेतना बाह्य होती है। और जो चेतना बाह्य होती है तो उसी को हम व्यवहार कहते हैं, उसी को हम कहते हैं व्यवहार। तो यहाँ से चेतना जब आंतरिक रूप में कार्य करती है, तो आंतरिक का मतलब होता है भावना से, आंतरिक का मतलब होता है भावना। तो केवल भावना से काम नहीं चलेगा, तो केवल भावना से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ से अब जैसे बात ये तो आती है कि आपके अंदर भाव जैसे बनते रहे, जैसे आप व्यवहार का मतलब होता है क्रिया से, व्यवहार का मतलब होता है क्रिया से, जो हम क्रियाकलाप करते हैं, जैसे हम छू सकते हैं, जैसे हम स्पर्श कर सकते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के लास्ट तक चेतना का विज्ञान का भी अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में मनोविज्ञान आया व्यवहार का विज्ञान, और व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी से लेकर के और आज तक जो विज्ञान जाना जाता है वो वाटसन या इनके समर्थक वुडवर्थ।
अब हम ये भी जानेंगे कि इसे आप लोग कैसे याद रखेंगे, क्योंकि भूलने की बीमारी बहुत रहती है। तो जब भूलने की बीमारी रहती है तो हमें कोई ना कोई एक अल्फाबेट अपने मस्तिष्क में ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग इन शब्दों को हमें हमेशा ध्यान रख सकते हैं। तो आप लोगों को पहले तो ये एक सिक्वेंस जान लेना है, ये मनोविज्ञान का एक विकास क्रम जान लेना है। ये भी जानेंगे कि ये मनोविज्ञान का क्या है, हम कह सकते हैं ये मनोविज्ञान का एक विकास क्रम है। सबसे पहले मनोविज्ञान आया, आत्मा का विज्ञान। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के नाम से जाना, 16 के बाद में 17 शताब्दी, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मनोमस्तिष्क के विज्ञान के नाम से जाना गया, उसके बाद में 18 को छोड़ करके 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के नाम से जाना जाता था, उसके बाद में 20वीं शताब्दी से लेकर के और आज तक जो मनोविज्ञान चल रहा है वो व्यवहार का विज्ञान। तो यहाँ पर आत्मा का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, उसके बाद में मन और मस्तिष्क का विज्ञान। देखो मन और मस्तिष्क का विज्ञान आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम अगर कहीं पर बाजार में जाते हैं, अपना कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं, या हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, तो रास्ते से जाते हैं, किसी सड़क से जाते हैं, और जब सड़क से जाते हैं तो वहाँ पर ट्रक और बस और टेम्पो वगैरह आज चलते हैं। तो देखा होगा जब भीड़ भाड़ जगह हो और भीड़ भाड़ की जगह के बाद में जब देखा जाए कि ट्रक या बस के हॉर्न की आवाज़ जो बजती है, वो आवाज़ जैसे ट्रक या बस के हॉर्न की आवाज़ जैसे लगाता है तो आवाज़ आती है पों पों की, जिस तरीके से इस तरीके से आवाज़ आती है पों पों। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है पों पों का मतलब पोम्पोलॉजी, और तुरंत जैसे ही आवाज़ ये आती है पों पों की तो तुरंत हम ये कहते हैं ये इसने तो वास्तव में हमारा मन और मस्तिष्क खराब कर दिया, देखो इसने ट्रक वाले ने हमारा मन और मस्तिष्क खराब कर दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो मनोवैज्ञानिक कौन है, पोम्पोलॉजी है। उसके बाद में चेतना का विज्ञान आप लोगों को ध्यान रखना है कि विलियम शब्द आ जाएगा, चाहे विलियम जेम्स हो, विलियम बुंट हो, या हम कह सकते हैं विलियम सली हो। और उसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है व्यवहार का विज्ञान, तो व्यवहार का विज्ञान वासे व्यवहार और वासे वाटसन, वासे व्यवहार और वासे वाटसन। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहार का विज्ञान किसने बताया था, वाटसन, और हम कह सकते हैं वुडवर्थ। उसके बाद में नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, यहां से हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पोम्पोलॉजी के अनुसार, पोम्पोलॉजी के अनुसार साइकोलॉजी को साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर साइकी प्लस लोगस से बना है। यहां पर साइकी का अर्थ, यहां पर साइकी का अर्थ मन या मस्तिष्क एवं लोगस का अर्थ अध्ययन इसलिए
इसलिए साइकोलॉजी को मन या मस्तिष्क का अध्ययन कहते हैं। तो यहां से हमें इस तरीके से ध्यान रखना है कि गैरेट के अनुसार, जो गैरेट के अनुसार मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं, तो गैरेट के अनुसार मनोविज्ञान को हम कहते हैं मन और मस्तिष्क का अध्ययन। यहां पर अगर नहीं सॉरी यहां पर पोम्पोलॉजी के अनुसार हम कह सकते हैं, गैरेट के अनुसार तो हम कहेंगे आत्मा का अध्ययन, उसके बाद में यहां पर हम पोम्पोलॉजी के अनुसार हम क्या कहेंगे, पोम्पोलॉजी के अनुसार हम कहेंगे कि जो साइकोलॉजी का अर्थ होता है वो हम कह सकते हैं मन और मस्तिष्क का अध्ययन, या हम कह सकते हैं मन और मस्तिष्क का विज्ञान। तो आप लोगों को सीधे तौर पर ध्यान रखना है, यहाँ से एक बनने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान में साइकोलॉजी के कितने अर्थ होते हैं, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत साइकोलॉजी के केवल केवल दो ही अर्थ होते हैं, एक तो अर्थ होता है आत्मा और दूसरा अर्थ होता है मन और मस्तिष्क, अर्थात हम चेतना और व्यवहार नहीं कह सकते हैं। तो सीधे तौर पर आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, अगर इससे बनने वाला यदि क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान या हम कह सकते हैं साइकोलॉजी में साइकी के कितने अर्थ होते हैं, या साइकी के दो ही अर्थ होते हैं, एक तो अर्थ होता है आत्मा और दूसरा अर्थ होता है हम कह सकते हैं मन या मस्तिष्क, दूसरा अर्थ होता है मन या मस्तिष्क। तो ये नहीं कह सकते हैं चेतना, यदि क्वेश्चन में आ जाएगा कि साइकोलॉजी में साइकी के अर्थ कितने होते हैं, तो साइकी के अर्थ दो ही लिए गए, एक तो आत्मा और दूसरा हम कह सकते हैं मन और मस्तिष्क। उसके बाद में ये भी जानेंगे कि जो ये पैम्पोलॉजी मनोवैज्ञानिक थे, तो यहाँ पर हम ये भी जानेंगे ये इटली के थे, यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि जो पैम्पोलॉजी थे वो इटली के थे। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान किसने कहा, गैरेट ने। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी को, या हम कह सकते हैं मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, तो पोम्पोलॉजी ने कहा। उसके बाद में नेक्स्ट ये भी जानेंगे चेतना का विज्ञान, तो चेतना का विज्ञान बताने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो थे वो हम कह सकते हैं विलियम बुंट, या हम कह सकते हैं विलियम जेम्स, या तो हम कह सकते हैं विलियम सली या विलियम सिल्ली। उसके बाद में नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि चेतना का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, विलियम बुंट। अब यहां पर ये भी जानेंगे कि विलियम बुंट ने 1879 में लिपजिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाई। तो यहाँ पर कह सकते हैं विलियम बुंट ने 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की। और जो हम कह सकते हैं लिपजिंग शहर, या हम कह सकते हैं लिपजिंग नगर, अब हम जिसे वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं,
तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि विलियम बुंट ने चेतना के विज्ञान के बारे में बताया। विलियम बुंट ने 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की। ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में आएगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में किसने स्थापित की थी, तो हमारा आंसर होगा विलियम बुंट ने। तो विलियम बुंट ने ये बताया था। यदि ये भी पूछा जाएगा कि कब स्थापित की, तो हमारा आंसर होगा 1879 ईस्वी में। किस शहर में, तो हम कह सकते हैं जर्मनी के लिपजिंग शहर में। इतना आप लोगों को ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट हम ये भी बात करेंगे, देखेंगे कि एक जो विकास क्रम है, या विकास क्रम को हम कह सकते हैं, या तो हम एक परिभाषा के तौर पर भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं। वुडवर्थ ये कहते हैं, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर उसके बाद में मन या मस्तिष्क का त्याग किया एवं उसके बाद चेतना का त्याग किया, और 20वीं सदी से लेकर आज तक मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के नाम से व्यवहार के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर उसके बाद में मन मस्तिष्क का त्याग किया एवं उसके बाद में चेतना का त्याग किया, और 20वीं सदी से लेकर के आज तक मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के नाम से जानते हैं, व्यवहार के विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ये किसने कहा था, हमारा आंसर होगा वुडवर्थ। ये कई बार परिभाषा आ भी चुकी है और आने की संभावना भी है, क्योंकि कई बार आ चुकी है, आने की संभावना है। यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों पे हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के नाम से जाना जाता था। अब बताया था कि आत्मा का विज्ञान का अस्वीकार क्यों कर दिया गया, क्योंकि वास्तव में इस पर हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है, आत्मा हमें सुनाई नहीं देती है, इसका रंग नहीं होता है, आकार नहीं होता है, रूप नहीं होता है, तो इसलिए इसका त्याग कर दिया गया। फिर उसके बाद में मन मस्तिष्क का त्याग किया गया। अब वही बात फिर आ गई, क्योंकि वास्तव में मन और मस्तिष्क में इसका ना ही कोई स्वाद होता है, ना ही कोई आकार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मन का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है या मीठा होता है, ये तो है नहीं, क्योंकि हम मिठाई खाते हैं तो वास्तव में उसे हम देख भी सकते हैं, उसे हम स्पर्श भी कर सकते हैं, उसे खा भी सकते हैं, लेकिन मन और मस्तिष्क को क्या खाया जा सकता, क्या देखा जा सकता।
जब देखा नहीं जा सकता है तो हम प्रयोग भला कैसे कर सकते हैं, और जब प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका भी त्याग कर दिया गया। उसके बाद में चेतना, और चेतना भी जो होती है वो आंतरिक होती है, और जब आंतरिक होती है तो चेतना को भी हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो वास्तव में उसे भी विज्ञान नहीं कहा जाएगा, तो अर्थात हम कह सकते हैं चेतना का भी त्याग कर दिया गया। उसके बाद में 20वीं सदी से लेकर के और आज तक मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के नाम से जाना जाता है, और ये व्यवहार का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक जो हैं वो हम कह सकते हैं वुडवर्थ। तो यहाँ से हम ये जानेंगे, आज तक हमारा जो ये लेक्चर रहा वो आज तक यहीं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ठीक।